हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 14 मुफ्त के प्रश्न उत्तर। ओके, आप अपने रिमझिम जो पाठ्य पुस्तक है उसका पृष्ठ संख्या 122 निकालिए। उसके ऊपर दिया हुआ है तुम्हारी समझ। तुम्हारी समझ यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी समझ से देना है, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने क्या समझा है उसी के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, पहला प्रश्न है, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? हमने पढ़ा उसमें कि हर बार ही भिखू भाई आधे दाम देना चाहते थे, कम ही नहीं, जितने पैसे हैं उनसे आधे पैसे देना चाहते थे और नारियल को बिल्कुल आधे पैसों में खरीदते हुए बिल्कुल मुफ्त में ही खरीदना चाहते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वे कंजूस थे। इसका सीधा सा अर्थ हमने समझा कि वो क्या थे? कंजूस थे। हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। बस इसका इतना ही उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? नारियल के दाम में हर जगह फ़र्क था, ऐसा क्यों है? देखिए, नारियल का जो बगीचा है उसमें उसके दाम सबसे कम थे क्योंकि वहाँ पे नारियल पैदा होता है। नारियल की वहाँ पे खेती एक तरह से होती है, बहुत सारे नारियल के पेड़ वहाँ पे होते हैं, तो वहीं पे तोड़ के और वहीं पे बेचना वो बिल्कुल सस्ता रहेगा। और आगे जैसे जैसे वह नारियल कई बाजार में जाता है, कई जगहों पे मंडी में जाता है, तो वैसे वैसे वह महंगा होता जाता है क्योंकि उसके साथ कई लोगों का फ़ायदा मुनाफा जुड़ जाता है, इसलिए वह नारियल के दामों में फ़र्क है। देखिए इसका उत्तर, देखिए, नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ पर वह पैदा होता था। ठीक है, नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया उसमें और भी कई लोगों की कमाई जुड़ती गई, और भी कई लोगों की कमाई होती है जो नारियल तोड़ के बेचता है। फिर उसके बाद में जो बेचता है नारियल जहाँ पे बगीचे में ही जो तोड़ के बेचता है, उसके बाद में वो सबसे सस्ते दामों में बेचेगा, उसके बाद उससे जो खरीदता है वो बेचेगा, तो वो अपना थोड़ा मुनाफा कमाता है। उसके बाद में जो ज़्यादा कम मुनाफा कमाता है एक मंडी में वो ले जाके बेचता है, और फिर वो थोक व्यापारी जो होता है वो लोगों को एक एक या दो दो नारियल देता है, तो उसके वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो नारियल के दाम बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, कीमत तो हर चीज़ की चुकानी ही पड़ती है, चाहे वो कीमत हमारे मेहनत से हो चाहे पैसों से हो। अब देखिए, भिखू भाई को जो नारियल मिला अंत में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिला था। जितनी उन्होंने मेहनत की थी उतने तो उनको नारियल मिले ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसका उत्तर, देखिए, भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। इस तरह उनका जो मेहनताना था, मेहनत का जो फल होता है उसे कहते हैं मेहनताना। मेहनताना तो नारियल की कीमत से कहीं ज़्यादा ही था। कितनी दूर तो वो पैदल चले, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया, फिर कितनी देर तक पेड़ पे लटके रहे, हमने देखा था, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? देखिए, बूढ़ा यहाँ पे बूढ़े से मतलब होता है जो बहुत सालों पहले का हो जाता है, पुराना हो जाता है, अर्थात वह बरगद बहुत पुराना होगा इसलिए उसको बूढ़ा कहा गया है। कोई भी वृक्ष हो, या हम कई बार कह देते हैं कोई हवेली की ये बहुत बूढ़ी हो गई, प्राचीन हवेली जिसको कहते हैं, तो उसको बूढ़ा नाम दे दिया गया। तो इसका उत्तर, देखिए, बरगद बहुत पुराना होगा, उसकी डालियाँ भी कमज़ोर हो गई होगी, इसलिए बरगद को बूढ़ा कहा गया होगा। ओके, ये आपके चार प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने हैं। के स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के 14 चैप्टर की तो अभी और भी हैं कुछ एक्टिविटीज़, और फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन कोर्स कंप्लीट हो जाने का मतलब ये है कि आपने कितना कोर्स किया है,
इसलिए आपको अधिकतर चैप्टर बार बार में रीड करने हैं, इनकी एक्टिविटीज़ रीड करनी है और इनको फिल करना है समझ के, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पे आप वीडियो की हेल्प से फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर सब करवा ही रही हूँ, और जो मैं नहीं करवा रही हूँ उनको आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ है, सारी करनी आवश्यक नहीं है। प्रश्नोत्तर आपको हमेशा याद करते रहना है। ओके, थैंक यू।